ये आज बनाते हैं कम मेहनत में पनीर की सब्जी। बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो मैंने काजू को ना गर्म पानी में भिगो लिया है कि वो थोड़े से फूल जाएंगे तो अच्छे से लगेंगे। अभी प्याज, लहसुन, मिर्च, टमाटर इन सबको काट लिया है और रफली काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। और तेल डाल करके इनको तड़का लगा दिया है, साथ में जो काजू भिगोया था वो डाल दिया और नमक। सब जब गल जाएगा ना इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पनीर काट लिया। मुझे ना पनीर ना डायमंड शेप में ऐसे काट करना ना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून देता है। फिर मैंने जो टमाटर प्याज वाला मसाला था वो एकदम ठंडा हो गया, तो मिक्सर जार में ना पनीर डाल करके 2 क्यूब्स पीस दिया। इसे ना जो ग्रेवी है वो हमारी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। घर का ही बटर ले लिया और उसमें थोड़े से खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची को अच्छे से तड़का दे दिया। और फिर मैंने उसमें डाला है रेगुलर मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी और गर्म मसाला, वो लास्ट में डालेंगे गर्म मसाला। अभी जो टमाटर वाला पेस्ट था उसको मैंने भून लिया है और बस जब तेल छूट जाएगा तो बस उसमें ना मिक्सर में और पानी डाल करके इसकी ग्रेवी बना ली है। अभी जो पनीर था उस पर थोड़ा सा मिर्ची और गरम मसाला डाल करके हल्का सा फ्राई कर लिया है। अच्छे से पक जाएगा जो हमारा ग्रेवी है, तो उसमें ना तुरंत पनीर ही डाल दिया है। अभी उसमें डाला है कसूरी मेथी, गरम मसाला, हल्का सा नमक और ये बस दाल या चावल या रोटी या नान के साथ खाओ, बिल्कुल तैयार है। तो मेरी थाली तो बन गई है, ऊपर से धनिया डाल दिया है और बस आप इसको किसी के साथ भी इंजॉय करो। तो मेरी थाली तैयार है, कुछ भी अच्छा लगाओ तो फॉलो करो। बाय।